वीडियो को पूरा देखो वरना तुम 9 साल की ऑडियंस बन जाओगे। So hey guys, hi, this is ONSPOT and welcome back to our channel ONSPOT Esports. So guys, आज की वीडियो में अपन लोग बात करेंगे आप लोग टूर्नामेंट्स के अंदर जो नर्वस हो जाते हो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो या फिर उसका कोई सोल्यूशन है क्या ऐसा जिसकी हेल्प लेके हम नर्वसनेस को दूर कर सकते हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि आप लोग नर्वसनेस की वजह से पैनिक हो जाते हो जिसके वजह से आप जो फाइट में अच्छा कर सकते थे जिस मैच में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाते एंड जितनी आपकी पोटेंशियल होती है आपका परफॉर्मेंस उससे कम हो जाता है। तो इसका ऐसा कोई सोल्यूशन है क्या, इसी के ऊपर वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब यार वीडियो को पूरा देख लेना, तुम्हारा मेरा दोनों का फायदा होने वाला है। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो टॉपिक ऑफ हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन टूर्नामेंट्स। हां तो यहां पर ये मत समझ लेना कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, हमारी एनर्जी तो वो दुष्ट अमेरिका से आती है। अच्छा तो मैं अभी तुम्हें जो सवाल पूछूंगा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए ताकि यार मेरे को भी तो पता चले आप लोग के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा तो क्या आप टूर्नामेंट के अंदर नर्वस हो जाते हो? अच्छा क्या आप टूर्नामेंट के अंदर नर्वस होने के बाद किसी को बता नहीं पा रहे हो कि भाई मेरे को थोड़ा डर लग रहा है या फिर तुम्हारे चारों के चारों टीममेट्स ही नर्वस हो जाते हैं? अच्छा तो ये बताओ जब तुम एक सुनसान सा कंपाउंड देखते हो मैप के अंदर क्या तुम थोड़ा वीक फील करते हो अंदर से? अच्छा तो क्या तुम्हें ये लगता है कि जब तुम लूट रहे होते हो तब तुम ये सोच रहे होते हो अभी बंदे ना आ जाए या फिर जब तुम रोटेशन मार रहे होते हो तो तुम ये भी सोच रहे होगे ए भगवान अभी बंदे ना आ जाए बस? क्या तुम फाइट लेने से ज्यादा उसको अवॉइड करते हो? तुम एग्रेसिव खेलना पसंद करते हो या फिर पैसिव खेलना पसंद करते हो? तो जितने भी मैंने अभी बताया इनके कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप कहीं ना कहीं नर्वस फील करते हो टूर्नामेंट के अंदर जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है एंड आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल को मीट नहीं कर पाता जितना आपकी थिंकिंग है। तो यार इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट्स हैं बट इसमें जो 4th पॉइंट है वो एकदम गेम चेंजर पॉइंट होने वाला है। बट यार 6th पॉइंट से पहले अगर तुम 4th पॉइंट को जान लोगे तो तुम्हारा फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब यार ये तुम्हारे ऊपर है। तो यार हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है स्टॉप ओवरथिंकिंग। काफी बार ऐसा होता है ना कि तुम लोग ये सोच लेते हो मैच से पहले कि हमारे हाथ में तो एक ही मैच है हमें उसमें ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, इतने किल निकालेंगे तो क्वालिफाई होंगे, अगर इतने किल नहीं हुए तो फिर क्या होगा, इतना बड़ा टूर्नामेंट है। और काफी बार ना ये चीजें आईजीएल को बहुत ज्यादा परेशान करती है। काफी बार आईजीएल सबसे ज्यादा इन्हीं बातों को सोचता रहता है। ऐसा नहीं कि बाकी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता बट प्रेशर के चलते वो लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब फालतू की बातें सोचते रहते हैं। अब देखो तुम जितना इन बातों को सोचते रहोगे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर हमारा रशर मर गया तो बीच में फिर क्या होगा, हाँ जब तुम स्ट्रेटेजी बना रहे हो तब सही है बट अगर तुम इन बातों को सोच के ज्यादा पैनिक हो रहे हो ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं तो उनको सोचना बंद कर दो। बेफालतू के थिंकिंग दिमाग में मत लाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें ज्यादा से ज्यादा और भी सवाल देता रहेगा सोचने के लिए। तो वहां पे क्या होता है तुम दिमाग से हार जाते हो और मैच तो तुम नाम के लिए खेलते हो। अब देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो सिंपल एक काम करना है, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। अब डिस्ट्रैक्ट कैसे होना है, चाहे तुम यूट्यूब पे कोई म्यूजिक वगैरह सुन लो, चाहे तुम कोई कॉमेडी वीडियो देख लो या फिर किसी से बातें कर लो या फिर सेम यूट्यूब पे आके हेलो गिवअवे वाले स्ट्रीम्स को देख लो, बहुत काम आएंगे। तो यार यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है एक्ट लाइक नो वन इज बेटर देन यू। अब देखो इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम्हें ये सोचते रहना है कि तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। अब देखो इसमें एक डीमेरिट ये है, काफी बार जब आप ये थिंकिंग दिमाग में लाते हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो एंड आपका परफॉर्मेंस वहां भी डाउन हो जाता है जितना आप करना चाहते हो। अब देखो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बस आपको खुद को एक बिलीफ सिस्टम में डालना है कि हाँ आप भी कुछ हो, आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आप भी फाइट्स ले सकते हो, आप भी फायर कर सकते हो, आप भी ड्रैग मार सकते हो, वन टैप्स मार सकते हो, सामने वाली टीम को भी एलिमिनेशन की तरफ भेज सकते हो। तो ये ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह काम आता है एंड इसी के साथ आता है हमारा थर्ड पॉइंट स्टॉप कंपैरिजन। देखो काफी बार ऐसा होता है जब आप दूसरे सर्वर्स में टूर्नामेंट खेलते हो एंड किसी और सर्वर में आ गए आपका टूर्नामेंट है, वहां पर आप जाते हो देखने कौन कौन से टीम आई है एंड वहां पे जब आपको एक टीम मिलती है जो कि आपका पिछले टूर्नामेंट में भी चैंपियंस बने थे तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे डर लगने लगता है कि भाई ये टीम तो वहां पे चैंपियन बन के आई थी, यहां पर भी ये टीम है तो फिर क्या होगा, अब तो हमारा इधर खेलने का कोई मतलब ही नहीं है, अब यही टीम तो फिर से चैंपियन बन जाएगी। भाई देखो ऐसा नहीं सोचना है, आपको कंपेयर नहीं करना है। हाँ वहां पे सिनेरियो कुछ अलग होगा, यहां पे सिनेरियो कुछ अलग होगा, एक बात याद रखना हमेशा 5 उंगलियां समान नहीं रहती है। तो कृपया करके ऐसी थिंकिंग्स दिमाग से निकाल दो, भाई गोली तुम्हारे बंदूक से भी निकलेगी उसके बंदूक से भी निकलेगी। और ऐसा भी होता है जब आप कंपेयर करने लगते हो आप कहीं ना कहीं एक डर पैदा कर लेते हो अपने अंदर जो कि आपको आगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए रोक देता है कहीं ना कहीं। आप ये बात शायद मानने के लिए इनकार कर दो बट यही सच्चाई है। अब यहां पर आता है हमारा 5th पॉइंट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर टीम। अब देखो इसका सिंपल मतलब तो ये बनता है कि आपको खुद पर बिलीव करना पड़ेगा, खुद को एक ऐसा बिलीव सिस्टम में डालना पड़ेगा जहां पर आप और आपके पूरे टीम कॉन्फिडेंट हो। अब देखो आप अगर खुद के टीम पर भरोसा नहीं करोगे, आप अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो सामने वाली जनता क्या खाक करेगी। हाँ तो इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें डेफिनेटली क्लियर करने वाला हूँ बट मुझे ये बताओ कि ये क्या है, लिटरली इतना बंदे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब यार तुम किसी के चुप रहने का गलत फायदा उठाओगे क्या? सच में यार दिल से नहीं, हर जगह से बुरा लगता है। इतने बंदे अगर सब्सक्राइब कर लोगे ना कल सुबह तो 100K भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है वो है फील फ्री टू अप्लाई योर स्ट्रेटजी। अब देखो काफी बार ऐसा होता है जब आप प्लानिंग करते हो तो एकदम तगड़ी प्लानिंग करते हो, एकदम मस्त सी प्लानिंग करते हो जिसमें आपकी हारने की संभावना ना के बराबर होती है। हाँ मानता हूँ हमेशा पांच उंगलियां समान नहीं रहती, बट आप ट्राई तो कर सकते हो ना। आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी अप्लाई करो एंड कभी यार खुद की स्ट्रेटजी ना अप्लाई करने में घबराना नहीं है। चाहे उस मैच में हार जाओ तुम, बट हारोगे तभी तो वहाँ पे तुमको पता चलेगा तुमने गलती क्या किया था एंड फिर उसको कैसे सुधार सकते हो। इसी के साथ आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, स्टॉप स्पेक्टेटिंग द प्लेयर्स व्हाइल सेटिंग इन रूम। यानी कि यह मतलब है जब आप रूम में जाते हो, एंट्री कर लेते हो रूम के अंदर, उसके बाद जब आपको 5 या 10 मिनट का वेटिंग टाइम देखने को मिलता है उसके अंदर आप क्या करते हो, अलग अलग प्लेयर्स की प्रोफाइल खोल के चेक करते हो। अब वहाँ पे टीम्स क्या दिमाग लगाती है, कुछ तगड़े तगड़े ड्रेस पहन के आ जाते हैं भाई। काफी और बंदे ना बस ड्रेस देख के ही घबरा जाते हैं, ये नहीं देखना कि बंदा कैसे खेल रहा है। बस सेकंड इलाइट पास पहना है, फर्स्ट इलाइट पास पहना है, अभी कोई तगड़ी वाली ड्रेस पहनी है, इनक्यूबेटर वाली ड्रेस पहनी है तो भाई प्रो ही होगा। वही चीज है, आप देखना ही बंद कर दो। चलो ना यार तुम ज्यादा टेंशन ले लेते हो, बस अपना कस्टम कलेक्शन पैक डिलीट कर दो, काम खत्म। जितना तुमको चाहिए उतना डाउनलोड करो, एक जोड़ी कपड़ा और क्या चाहिए यार। अपना माइंड सेट ऐसा रखो ना, चाहे इंडिया की बेस्ट टीम से क्यों ना आ जाए, हम उनको भी पहलने का दम रखते हैं भाई। वो होता है ना बिलीव सिस्टम, एक बार उसमें घुस गया ना कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट आती है, वो है प्रैक्टिस। अब देखो तुम्हें दिन में कितना प्रैक्टिस करने चाहिए, कितने स्क्रिम्स तुम्हें खेलने चाहिए। यार देखो तुम्हें दिन में 5 से 7 मिनिमम स्क्रिम्स खेलने चाहिए, एंड अगर तुम इतने खेलोगे ना दिन में तो कॉन्फिडेंस का बाप भी आके तुमको बोलेगा कौन है यार। देखो 5 से 7 स्क्रिम्स तुम्हें कैसे खेलने हैं यार देखो वो जानना है तो तुम लेट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। एंड बीच में मैंने एक बात करी कि तुम्हें खुद की स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, बट बात तो ये आती है ना कि ऑन स्पॉट भाई खुद की स्ट्रेटजी बनाए कैसे, वो जाननी है तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो। तो मैं मिलता हूं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।